दोस्तों आज के इस वीडियो में जानने वाले हॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी वेनम द लास्ट डांस के तीसरे दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इस मूवी ने दुनिया भर से कितना कलेक्शन किया। दोस्तों बात की जाए इस मूवी के रनिंग टाइमिंग के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी 1 घंटा 49 मिनट लंबी है और साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी को इंडिया भर से 1000+ स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और दोस्तों इस मूवी का बजट है $120 मिलियन और ये इंडियन रुपीज में हो चुके 1007 करोड़ रुपए। दोस्तों बात करते हैं इस मूवी के फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी ने फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन किया था 4.60 करोड़ रुपए का। साथ ही साथ दोस्तों इस मूवी ने सेकंड डे कलेक्शन किया था 7.20 करोड़ रुपए का। और इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 2 दिन का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका था 11.80 करोड़ रुपए का। और इंडिया ग्रॉस कलेक्शन किया था इस मूवी ने 14.30 करोड़ रुपए का। और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया $40 मिलियन का, यानी कि दोस्तों ये इंडियन रुपीज में हो चुके 340 करोड़ रुपए। और दोस्तों इस मूवी को IMDb रेटिंग मिल चुके 6.2/10 की। बात की जाए दोस्तों इस मूवी के तीसरे दिन के कलेक्शन के बारे में, तो दोस्तों ये मूवी अपने तीसरे दिन इंटरनेट कलेक्शन करने वाले लगभग 8 से 10 करोड़ के रेंज में। क्या दोस्तों आपने भी हॉलीवुड की मच अवेटेड मूवी वेनम द लास्ट डांस देखी है नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। दोस्तों आपने भी इस मूवी को देखा है तो इस मूवी को 5 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे, कमेंट जरूर कर देना। दोस्तों आपको क्या लगता है वेनम आने वाले दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन कर सकते, कमेंट जरूर कर देना। और दोस्तों क्या ये मूवी इंडियन बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी या सुपर हिट, कमेंट में जरूर बता देना।